जैसे अचानक हमला कर दिया कोई देश के ऊपर, तो इधर चर्चा हो रही है बजट पर, तो बजट पे चर्चा होगी कि पहले देश पे होगी, लाया जाएगा कार्य स्थगन प्रस्ताव, ना सारा प्रस्ताव खत्म। अब बताइए हमारे रक्षा मंत्री क्या कहिएगा यहाँ पर। अरे रक्षा मंत्री का कहना क्या है, रुकिए हम फोन करते हैं, राफेल कहाँ है मार दो यहाँ, समझा गया कि नहीं गया। देखिए मोदी जी के कार्यकाल में दो चीजें बहुत 180 डिग्री चेंज हुई है, विदेश नीति और रक्षा नीति। अब कोई आके मार के चल जाए नहीं, अब ना होने वाला है। अगर मुंबई पे होगा तो कराची पे भी, समझ में आ गया कि नहीं, दिल्ली पे होगा है इस्लामाबाद, बराबर बराबर देखो ना आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें बहुत सही है इस मामले में, समझे। विदेश नीति पहले मैं विदेश नीति कौन चीज, हम खरीदेंगे रूस से पेट्रोल, क्या करेगा तुम जयशंकर साहब नाश्ता में मीडिया वालों खा जाते हैं तो चीजें हैं। तो अगर कोई जरूरी मामला आ गया है तो ही कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, नॉर्मल चीजें नहीं है। अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है इट मींस बहुत ही जरूरी मामला है, नॉर्मल मामले पे कभी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जैसे चीन पे हमला हो गया, तुर्की में भूकंप आ गया, तो हमारा संसद भवन, देखिए हमारी संस्कृति, हम पानी पीपे के तुर्की गरियाता हम लोग को, लेकिन जैसे तुर्की में भूकंप आया तुरंत हमारी संसद ने क्या किया था, एक मतलब अपना प्रस्ताव दिया। G20 की बैठक में सब लोग 2 मिनट के लिए मौन हुए थे, ये दिखा मौन से किसी को एक संकेत होता है कि हम आपके दुख की घड़ी में साथ हैं। अब कोई कहता है भगवान तुम्हारा खुश रखे तो कौन जी, ये क्या है मतलब, ये दिखाता है आपको किसी को शराब देते हैं तो क्या लग जाता है क्या ब्लूटूथ है, लेकिन है ना दिखाते हैं कि हम आपके क्या हैं, विरोध में हैं। और समझ में आ रहा है, तो हम लोग ने जब कभी ऐसा भूकंप आया तो हम लोग ने NDRF की टीम तुरंत भेज दी। तो जब कभी इमरजेंसी का मुद्दा होता है तो ही आपको क्या लाना होता है, कार्यस्थगन, अदरवाइज में कार्यस्थगन प्रस्ताव आप नहीं ला सकते।